नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। जैविक प्रक्रिया अर्थात बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। बात करें पुरानी कोशिकाओं से विभाजित होकर विभाजन द्वारा नई कोशिका के निर्माण की क्रिया को हम कोशिका विभाजन कहलाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल, जिसे कहते हैं हम कोशिका चक्र के बारे में। तो जीवों के शरीर में विभाजित होते रहने वाली कायक कोशिकाएं अर्थात सोमेटिक सेल्स में वृद्धि और विभाजन की नियमित चक्र चलता है। इस चक्र को कोशिका चक्र कहते हैं, अर्थात कोशिका के पूरे जीवन काल को कोशिका चक्र कहते हैं। बात करें कोशिका विभाजन से बनी संतति कोशिकाएं कोशिका चक्र शुरू करती हैं। संतति कोशिकाएं विभाजित होने वाली जनक कोशिकाओं से छोटी होती हैं। नियमित रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का कोशिका चक्र की अवधि 10 से 30 घंटे के बीच होती है, जैसे त्वचा तथा रुधिर की कोशिकाएं। बात करें हम कोशिका चक्र को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है आपका इंटरफेज, जिसे अंतरावस्था कहते हैं। सेकंड है आपकी डिवीजन फेज, जिसे विभाजन अवस्था कहते हैं। तो ये कोशिका चक्र है, जिसमें क्या है, ये इंटरफेज होता है, जिसके अंदर G1 और S फेज, G2 फेज और M फेज होती है, और जो आपका एक फेज होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अब बात करें इंटरफेज की, जिसे अंतरावस्था कहते हैं। इसमें चार फेजें होती हैं। G1 फेज, जिसमें RNA तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है, अर्थात उसका निर्माण होता है। दूसरी फेज है S फेज, जिसमें DNA संश्लेषण की अवस्था, जिसमें DNA का निर्माण होता है। तीसरी है G2 फेज, जिसमें विभाजन की तैयारी होती है, मतलब कोशिका जो है अपने आप को विभाजन के लिए तैयार कर लेती है। फोर्थ है आपकी M फेज, इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है ए माइटोसिस, और सेकंड है आपका माइटोसिस, और तीसरा है आपका म्यूसिस। पहले जो असूत्री विभाजन कहते हैं इसको, ये प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। दूसरा है सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन, ये कायक कोशिकाओं में पाया जाता है, अर्थात सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। तीसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन, जननिक कोशिकाओं में अर्थात रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। अब हम पहला जानेंगे कि असूत्री विभाजन अर्थात एमाइटोसिस डिवीजन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि असूत्री विभाजन की खोज रेमक ने की। असूत्री विभाजन द्वारा जनक कोशिकाओं का केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है। ये केंद्रक होता है दो भागों में बढ़ जाता है, तथा इसके बाद कोशिका द्रव्य संकुचन के दौरान कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। जो कोशिका, ये जो चारों तरफ पाए जाने वाला कोशिका द्रव होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इस प्रकार दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन दोनों को हम डॉटर सेल्स कहते हैं, और ये क्या है, ये पेरेंट सेल्स होती है, और ये दोनों डॉटर सेल्स कहलाती है। बात करें हम यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे जीवाणु, नीलीहरी शैवालों, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड डिवीजन है आपका अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम म्यूसिस कहते हैं। म्यूसिस में अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम 1905 में फार्मर एवं मूरे ने की थी। बात करें कोशिका विभाजन की, वह प्रक्रिया जिसमें एक बार विभाजन से चार नई अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन निर्मित हुई नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या अपनी जनक कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है। ये एक कोशिका होती है, इसके द्वारा चार नई कोशिकाएं बनती हैं, मगर इसमें जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, इन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है। बात करें हम असूत्री विभाजन में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक का दो बार विभाजन होता है। इन दो विभाजनों में से प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन प्रथम रिडक्शन डिवीजन या म्यूसिस फर्स्ट कहलाता है, तथा द्वितीय विभाजन अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय म्यूसिस सेकंड कहलाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारा है समसूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। तो इसमें क्या है, समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का कायक कोशिकाओं विभाजन अर्थात सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यह विभाजन कायक कोशिका अर्थात सोमेटिक सेल्स में होता है और दो एक समान कोशिकाएं बनती हैं। बात करें समसूत्री विभाजन में, हालांकि कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था, और उन्होंने ही इसे समसूत्री नाम दिया, अर्थात माइटोसिस नाम दिया।
बात करें कोशिका विभाजन, साइटोकाइनेसिस तथा केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। डीएनए का द्विगुणन कोशिका विभाजन से पहले तथा बाद में केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो इसमें दो प्रक्रिया होती है, एक कैरियोकाइनेसिस अर्थात न्यूक्लियस का विभाजन और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। बात करें सूत्री विभाजन के भाग, सूत्री विभाजन के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग है केंद्रक का विभाजन जिसमें केंद्रक डिवाइड होता है और दूसरा विभाजन है कोशिका द्रव्य का विभाजन जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। बात करें समसूत्री विभाजन एक सतत प्रक्रिया है जिसे निम्नलिखित पांच चरणों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिफ्थ है आपकी साइटोकाइनेसिस। बात करें पहली प्रोफेज से द्वितीय हो गई आपकी मेटाफेज, तृतीय स्टेज एनाफेज और चतुर्थ हो जाती है टीलोफेज। अब हम पहले प्रोफेज को समझते हैं। प्रोफेज में क्या है, तारक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जानने की कोशिश करेंगे, इस वाले पार्ट को हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो ये सेंट्रियोल खुद की प्रतिलिपि अर्थात कॉपी बनाता है और दो नए तारक केंद्रों सेंट्रियोल्स में बट जाता है। तो एक एक होता है जिसके द्वारा दो बन जाते हैं जो कोशिका के विपरीत किनारों की ओर चले जाते हैं अर्थात दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। बात करें स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल फाइबरों की श्रृंखला प्रत्येक तारक केंद्र के नजदीक के क्षेत्र में निकलती है। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये वाले जो धागे नुमा संरचना होती है इन्हें स्पिंडल फाइबर कहते हैं और नाभिक की तरफ बढ़ती है। बात करें जिन गुणसूत्रों की प्रतिलिपि बन चुकी है वे छोटे और मोटे हो जाते हैं। तो ये जो है इनकी क्या है, इन ये जो पहले क्रोमेटिन रूप में होते हैं तो ये द्विगुणित होकर ये और छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिड प्रत्येक गुणसूत्र के प्रतिलिपि का आधा होता है जो सेंट्रीमोर से सेंट्रोमियर से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसके जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब हम बात करते हैं बाद के प्रोफेज चरण में नाभिक और नाभिकीय झिल्ली विखंडित होने लगती है। ये जो है नाभिकीय झिल्ली है जो विखंडित होकर और जो ये क्रोमेटिन है जो पूरी सेल्स के कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। अब हम बात करें मेटाफेज की, द्वितीय फेज है आपकी। तो एक गुणसूत्र के जोड़े स्वयं को इस प्रकार संरेखित करते हैं कि कोशिका का केंद्र और प्रत्येक सेंट्रोमियर प्रत्येक ध्रुव से एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है। तो इसमें क्या है, ये जो है स्पिंडल फाइबर के साथ ये जुड़े रहते हैं क्रोमोसोम। बात करें सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बनाते हैं। तो ये क्या है, ये डिवाइड होने लगते हैं। अब हम बात करें एनाफेज की, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये छोटे छोटे होने लगते हैं मतलब ध्रुवों की तरफ खिंचने लगते हैं। ये सहयोगी क्रोमेटिड पर बल डालते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग खींचता है। तो ये ध्रुवों की तरफ खिंचने लगते हैं और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं अलग हो जाते हैं। बात करें स्पिंडल फाइबर लगातार छोटा होता जाता है, क्रोमेटिड्स को विपरीत ध्रुवों पर खींचता है। यह प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र के एक समान सेट का पाया जाना सुनिश्चित करता है। बात करें फोर्थ स्टेज है आपकी टीलोफेज। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र पतला हो जाता है, ये जो गुणसूत्र होते हैं ये पतले हो जाते हैं, नाभिकीय आवरण बनता है, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये बनने लगती है अर्थात प्रत्येक नए गुणसूत्र समूह के चारों तरफ नाभिकीय झिल्ली बन जाती है, ये नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है। संतति गुणसूत्र किनारों पर पहुंच जाते हैं, ये गुणसूत्र किनारों पर पहुंचते हैं, स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ये जो फाइबर है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप फेज है आपकी साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है कि नाभिक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है ये जो है कोशिका, ये कंप्लीट कोशिका द्रव होता है ये वाला, तो ये जो है विभाजित होना शुरू हो जाता है। मूल बृहद कोशिका दो छोटी एक समान कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं और प्रत्येक संतति कोशिका भोजन ग्रहण करती है, विकसित होती है तथा विभाजित हो जाती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बात करें यह घाव को भरने, क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से बनाने जैसे छिपकली की पूंछ कटने के बाद दोबारा से पूंछ आ जाती है, कोशिकाओं के प्रतिस्थापन त्वचा की सतह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मतलब जो कोशिकाएं जो होती हैं वहां पर कोई डैमेज हो जाता है या कोई वहां से पार्ट्स कट जाता है तो वहां पर क्या है दोबारा से रीजनरेशन करके ये कोशिकाएं सेल डिविजन करके वहां की क्षतिपूर्ति को करती है। अब हम बात करते हैं लेकिन यदि यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो
गई तो ये ट्यूमर या कैंसर वृद्धि का कारण बन जा सकती है। अगर कोई ऐसी टॉक्सिक सेल्स है और जो क्या है उसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो वो टॉक्सिक सेल जो है बार बार डिवाइड होकर एक ट्यूमर का या कैंसर का रूप ले लेती है। तो ये हमारे शरीर के लिए ये जो प्रोसेस है ये घातक भी हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।